फाइनली हीरो की ग्लैमर एक्सटेक मॉडल हो चुकी है लॉन्च। अब इसके लॉन्च होने के बाद बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ चुका है कि एसपी बेहतर है या ख़राब है, एसपी के साथ जाएँ या हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल के साथ जाएँ। अगर आप इन दोनों को ऑन फिगर देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियाँ अप्रॉक्सीमेटली सेम फीचर्स ऑफर करती हैं। थोड़ी बहुत अच्छे फीचर्स आपको हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। तो आज आपको हम इस वीडियो में इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि हीरो की ग्लैमर एक्सटेक मॉडल क्यों बेहतर रहने वाली है, क्या कुछ ऐसे फीचर्स ला दिए गए हैं हीरो की ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में जिसके लिए आप आँख बंद करके भी हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल साथ जा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट से लुक देख सकते हैं। फ्रंट से जो आपको लुक देखने को मिलता है कोई डाउट नहीं है, आपको हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है क्योंकि जो इसमें फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प लगा दिया गया है वो गाड़ी के लुक को और बेहतर करता है। और जो एच शेप कर दिया गया है, एच शेप आप देख सकते हैं, जो आपको एच शेप का देखने को मिलता है वो देखने में ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये फुली इसका एलईडी सेटअप है जो कि गाड़ी के लुक को और इन्हेंस और अच्छा करता है। तो आपको बिल्कुल अगर आप फ्रंट से लुक देखेंगे तो आपको एसपी से बेहतर देखने में लग सकती है कि जो आपको इसके इंडिकेटर्स में डिज़ाइन देखने को मिलता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो कोई डाउट नहीं है फ्रंट से जो इसका एलईडी हेडलैम्प सेटअप का जो रिस्पॉन्स है वो आपको बेहतर देखने को मिलने वाला है हीरो की ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में, थोड़ा फ्रंट से आपको अच्छी देखने में लगेगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो इस गाड़ी का मीटर कंसोल रहने वाला है। जो आपको गाड़ी मीटर कंसोल ऑफर करके दे रही है, जो आपको ऑल न्यूज़ में फीचर्स इन्हों मिल रहे हैं जैसे कि रियल टाइम माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब तो आपको होंडा एसपी में देखने को मिलता है। लेकिन जो आपको इसमें गूगल नेविगेशन वाला सिस्टम देखने को मिल रहा है वो कई हद तक आपको बेहतर देखने को मिल रहा है इस मॉडल में। साथ में आपको इसमें आरपीएम मीटर भी देखने को मिलेगा। तो आपको जो शिकायत रहती थी होंडा एसपी में उसमें आरपीएम मीटर नहीं था वो आपकी दूर हो जाएगी। आपको यहाँ पर आरपीएम मीटर भी कंपनी ऑफर करके दे रही है जो कि बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली बात है, एक बहुत अच्छा काम किया गया है। बाद तीसरे मेन पॉइंट की बात कर लें जिसके लिए आपकी हीरो की ग्लैमर एक्सटेक मॉडल बेहतर रहने वाली है तो इसका साइड स्टैंड और कट ऑफ फीचर। अगर आपकी गाड़ी में साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जो कि मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा क्योंकि सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा फीचर है। कभी कभी हमारा साइड स्टैंड लगा भी रहता है और हम गाड़ी चलाने भी लगते हैं तो एक सेफ्टी वाइज अगर आप देखेंगे सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा फीचर दिया गया है जो कि आपके होंडा एसपी में ये चीज़ मिसिंग रहती है। तो एक ये बात भी बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी के बारे में, जो आपकी हीरो की ग्लैमर एक्सटेक मॉडल आ गई है उसमें आपको ये फीचर देखने को मिलता है। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात कर लें क्या कुछ आपको इसमें और देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको हैंडल बार पे कुछ लोग जैसे लॉन्ग राइड करते हैं या थोड़ा बहुत भी इसको लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग इस गाड़ी को लेकर दूर दूर भी जाते हैं 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, तो मोबाइल के लिए आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग ऑफर किया गया है। इंटीग्रेटेड है, आपको एक्स्ट्रा लगवाना नहीं पड़ेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इससे आप जैसे टायर का जो होता है टायर प्रेशर वो भी चेक कर सकते हैं, जो टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आता है उसको भी आप इससे यूएसबी से कनेक्ट करके देख सकते हैं जो आपको देखने को मिलता है। तो एक ये भी अच्छी बात लगी कि आपको चार्जिंग पोर्ट में आप देखने को मिलता है, तो आप लॉन्ग राइड जा रहे हैं या राइड पे हैं तो आप चार्ज पे अपना फ़ोन कर सकते हैं, आप आगे मोबाइल होल्डर लगा के वहाँ पे आप चार्जिंग भी लगा सकते हैं अपने फ़ोन, जो कि एक और अच्छी बात लगी इस गाड़ी के बारे में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात कर लें, जो मेन एक बड़ा अपडेट आपको इस गाड़ी में मिलेगा, गाड़ी की लुक भी अच्छी कर दी गई है। अगर आप देखेंगे पहले की लुक से कंपेयर करेंगे तो आपकी जो हीरो की ग्लैमर एक्सटेक मॉडल आ रही है बेहतर लुक के साथ आ रही है, बेहतर देखने में लग रही है जो कि फिर एक अच्छी बात कंपनी ने की है। अच्छे लुक के साथ गाड़ी को लॉन्च किया गया है तो गाड़ी आपको बेटर पहले से रिस्पॉन्स देने वाली है, बेटर पहले से परफॉर्मेंस देने वाली है। कि जो बेस्ट चेंज किया गया इस गाड़ी में वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इस गाड़ी का मीटर कंसोल, जो आपको उसमें गूगल नेविगेशन, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, आरपीएम मीटर देने को मिलता है, रियल टाइम माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारे आपको जो फीचर्स दे दिए गए हैं ये बहुत अच्छे दे दिए गए हैं। और होंडा एसपी से जो बेहतर फीचर है यहाँ पे आपको गूगल नेविगेशन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो कि हमारा छठा बड़ा पॉइंट रहने वाला, आपको यहाँ पे ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी देने को मिल जाती है जो कि आपको होंडा एसपी में मिसिंग रहती है। तो एक ये भी बड़ा अपडेट है इस गाड़ी में, आपको यहाँ पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देने को मिलेगी जिसकी मदद से अपने फ़ोन को आप इसके मीटर कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके फीचर्स और इसी स्पेसिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन में। थोड़े बहुत कंट्रोल आपको एक्सेस हो जाएंगे, जैसी बाइक आती है शोरूम्स में आपको ये सारे कंट्रोल एक्सेस करके दिखाऊंगा आप क्या कंट्रोल एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी 5 से 6 बड़े डिफरेंस जो बड़े एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं अगर आप हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल और एसपी में कन्फ्यूज़ हैं, तो एक इसका मीटर कंसोल बेहतर है, आपको फ्रंट से थोड़ा लुक बेहतर देखने को मिलेगा जिसका एस शेप वाला एलईडी हेडलैम्प सेटअप इसमें ऑफर किया गया है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर जो कि तीसरा बड़ा चेंज, तीसरा बड़ा एडवांटेज पॉइंट इस गाड़ी से रहता है। चौथे की बात कर लें तो चौथा मैंने आपको बताया इस गाड़ी में जो आपको यूएसबी चार्जिंग देने को मिलती है। पांचवा, थोड़ी आपको बेहतर लुक देखने में लग सकती है क्योंकि नए स्टिकर्स नए लुक के साथ गाड़ी आपको ऑफर की जाएगी। बाद जो आपको इसमें देखने को मिलता है वो मैंने आपको बता दिया, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिसके मदद से आप अपने मीटर कंसोल से अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकेंगे जो कि एक और अच्छी बात कंपनी द्वारा की गई है इसमें, कि आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 125cc में आपको कोई और बेस्ट बाइक ऑफर नहीं करती, आपको बहुत अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिक गाड़ी ऑफर कर रही है 125cc में। प्राइसिंग की बात करें तो आपको टोटल दो वेरिएंट ऑफर किए गए हैं, ड्रम और डिस्क। ड्रम की बात कर लेंगे 78,900 रुपीज़,
इस वेरिएंट की बात करेंगे 83,500 रुपीस। अगर होंडा एसपी से कंपेयर करेंगे तो लगभग 2,000 रुपए का आसपास डिफरेंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। 2,000 रुपए आपकी गाड़ी लगभग महंगी देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपको फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको और इसमें सिस्टम देखने को मिल रहा है, वो आपको कई हद तक बेहतर देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको 6 से 5 पॉइंट बता दिए जिसके लिए आप इस गाड़ी साथ बिल्कुल जा सकते हैं। 1,000-2,000 माइंड नहीं करता, लेकिन आपको जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो आपको अच्छे इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। ITS टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, आपको पता ही होगा ITS टेक्नोलॉजी हीरो की अच्छी खासी फेमस मार्केट में, तो आपको वो भी इस गाड़ी में ऑफर की जाती है, जो कि आपका मेजर होंडा एसपी मिसिंग रहता है। तो फ्रेंड्स, यही था डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें जाएं, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी डिटेल्ड वीडियो लेके आता रहूं। कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी का, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन से बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक को शेयर करिएगा, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके ऑल न्यू हीरो ग्रैमल एक्सटेक मॉडल के बारे में। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। एक और बात कर लेते, कब तक आपको शोरूम से देखने को मिलेगी, जो कि बहुत लोग क्वेश्चन करते थे। लगभग आपको 10-15 डेज के आसपास टाइमिंग लगेगी, 10-15 डेज के आसपास आपको शोरूम से अवेलेबल हो जाएगी। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी नियर बाई शोरूम में, आप लोग बिल्कुल जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रम वेरिएंट की ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर लें, 95 से 97 के बीच में आपको पड़ेगी ऑन रोड। डिस्क की बात कर लें, 98 से लेकर 1,02,000 के आसपास पड़ेगी। तो बिल्कुल आप लोग अपने नियर बाई शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्री बुकिंग भी हो सकता है, कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए 1,000-1,200 रुपये का। तो बिल्कुल आप लोग जाके अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिएगा, अगर आपको हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल लेनी है तो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़े बहुत इसमें ऑफर देखने को मिले, इसकी सेलिंग इंक्रीज करने के लिए कंपनी आपको कुछ ऑफर दे सकती है। तो बिल्कुल आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा, क्योंकि जो फीचर्स इस गाड़ी में आ रहे हैं माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं, 125cc में वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। तो फ्रेंड्स, यही था डिटेल वीडियो, क्यों बेहतर है एसपी से आपकी हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।